यो यो यो, जैसे कि आप सभी ने देखा मेरे लास्ट वीडियो कि मैं साईनगर शिरडी जा रहा हूँ 3 दिनों के लिए, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। सो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आप कैसे यहाँ मुंबई से जा सकते हो वहाँ पे बाय ट्रेन, कैसे वहाँ पे लो कॉस्ट में रुक सकते हो, कैसे उधर खाना के लो कॉस्ट में खा सकते हो। तो आप सभी को बताता हूँ मैं। पहला चीज़, आपको टिकट लेना होगा। आप रिजर्वेशन भी करा सकते हो, जनरल भी ले सकते हो। मैं तुमको प्रिफर करूँगा जनरल लेने के लिए, क्योंकि तुम पूरे ट्रिप का मज़ा ले सकते हो, ट्रेन का मज़ा, बाय सिटिंग ऑन द डोर एंड डूइंग मस्ती एंड ऑल, एज वी आर फ्रेंड्स डूइंग मस्ती, दैट्स वाई आई एम सेइंग। क्योंकि आपको टिकट लगभग गिरेगा 100 रुपये के आसपास, वो टिकट गिर जाएगा। तो होटल बुकिंग भी आप 2 तरीके से कर सकते हो। आप उनका वेबसाइट विजिट कर सकते हो, नहीं तो आप, मैंने एप्लीकेशन का एक ओवरव्यू दिया हूँ मेरे से, एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के, कि आप कैसे वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें से होटल बुक कर सकते हो। होटल बुक का भी आपको कॉस्ट है लगभग 100, 200, 300, AC वाला 500, 600, 700, डिपेंड करता है आपके कितने जन रह रहे हो, कैसा एकोमोडेशन है। तीसरी चीज़, खाना। खाना भी आपको वहीं पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के मिलते हैं। बाहर के स्ट्रीट फूड्स भी खा सकते हो, नहीं तो आपको मंदिर में प्रसाद मिलता है लंच 10 to 10, 10 AM to 10 PM। साथ ही आपको वहाँ पे स्वीट्स में भी वो प्रसाद मिलते हैं, जैसे कि उनका लड्डू मिलता है 10 to 10, 25 रुपीज़ पर पैकेट, और मैक्सिमम आप 4, 5, 6, आपको जितना लगता है उतना आप ले सकते हो। और साथ में आपको मंदिर के अंदर से एक फ्री प्रसाद बूंदी मिलता है, वो एक पैकेट। साथ में आपको बाबा का भूभूति मिलता है। बस इतना ही सब आपको अंदर मंदिर के अंदर से मिलता है। मंदिर के अंदर आपको ना मोबाइल अलाउ है ना कैमरा अलाउ है, सो मैं अंदर के कुछ भी वीडियोस नहीं बना पाया, पर ओवरव्यू मैं देना चाहता हूँ अंदर का। अंदर का यह पूरा साफ ओवरव्यू है। वीकेंड्स में जाओगे तो आपको गर्दी मिलेगी, और नॉर्मल डेज में जाओगे तो आपको खाली मिलेगा। त्यौहार यह सब में आपको खूब ज़्यादा रश मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आप सभी को दिखाना चाहूँगा मैं कौन सा सामान लेके जा रहा हूँ ट्रिप पे। सो आपको भी हेल्प होगा वैसा लेके जाना, और आपका अलग ही सेटअप रहेगा तो आपके मुताबिक आप सामान लेके जा सकते हो। सो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कौन सा सामान लेके जा रहा हूँ ट्रिप के। सो मैं 3 जोड़ी कपड़े लेके जा रहा हूँ, जो एक शर्ट था और 2 टी शर्ट था, और साथ में 2 पैंट लेके जा रहा हूँ, एक बेल्ट लेके जा रहा हूँ, परफ्यूम लेके जा रहा हूँ, कैमरा और मेरा बाकी एक्सेसरीज भी लेके जा रहा हूँ। दोस्तों चलो शुरू करते हैं ये ब्लॉग। मैं मेरे दोस्त बाबा के साथ, कैमरा मैन आकाश, हम निकल रहे हैं श्रीडी, साईनगर श्रीडी सुपर फास्ट एक्सप्रेस में। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे जाने का रास्ता, कैसा है टिकट, कैसा मिलेगा आपको। चलो शुरू करते हैं गाइस, हम जा रहे हैं अभी श्रीडी, दादर की तरफ पहला हमारा डेस्टिनेशन है, चलिए चलते। ये हमारी ट्रेन और हम जा रहे हैं साईनगर श्रीडी। चलो मैं आपको दिखाता हूँ अंदर का, अंदर ऐसा जाने का। ये रहा हमारा सीट, ये देखो, ये मेरे दोस्त लोग, ये ऐसा दिखता है, ये आदमी मिले हमको ट्रेन में, पहली बार जा रहे हैं शिरडी, पहली बार जा रहे हैं, गौर से देख लो इनको। अंकल हाय करो। मैं पहुंच गया शिरडी। सो तुमको फ्री सर्विस बस चाहिए रहेगा तो वो आपको स्टेशन के अंदर पिकअप करने आते हैं आपका, जैसे ट्रेन आता है। और साथ ही तुमको इधर रूम्स भी फ्री मिलते हैं। रूम्स फ्री मतलब आपको ऑनलाइन बुक करना पड़ता है, उसका चार्जेस है रिजनेबल 200 रुपीज़। अगर आपको रूम नहीं मिलते तो आप भक्ति निवास आ सकते हो, आपको फ्री बाथिंग एंड वॉशरूम फैसिलिटी मिलता है यहाँ पे, बट आपको आपके बैग रिक्स पे रख के जाना पड़ता है बाहर। यहाँ आप ठंडी के टाइम पे आओगे तो आपको स्वेटर ये सब लेके आना पड़ेगा। सो आप ये चीज़ का ध्यान रखना, कंबल वगैरह, क्योंकि ट्रेन में बहुत ठंडी लगती है। यहाँ टेम्परेचर लगभग 12, 11, 10 के आसपास है। तो ये अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस था। सो मिलते हैं आपको व्लॉग पे आगे। मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप मंदिर के अंदर जाओगे, किधर से आप टिकट लोगे, किधर मोबाइल रखोगे, और भक्ति निवास में आना आप ज़रूर, क्योंकि इधर ही आपको फ्री है लगेज रखने का जगह भी मिलता है, लोग फ्री लगेज रखते हैं आपका। आप फिर हम चल पड़े शनि सिंगापुर की तरफ। ये रास्ते का हालत तो देखिए कितना ख़राब है, रास्ता बहुत ही गद्दे उठे ये रास्ते में। साथ ही हमारे ड्राइवर साहब जो बहुत ही अच्छे थे। वीडियो को आगे देखते रहिए, आपको और आगे की जानकारी मिलती रहेगी। जो ये
क्लिप देख रहे हो ना, ये शनि सिंगापुर का है जहाँ मैंने ब्लड डोनेट किया था। आप सभी को भी करना चाहिए, ये मंदिर के अंदर ही है जिससे आप दूसरों की जान भी बचा सकते हो। You just walk right out the door, don't wanna do this anymore, now I'm lost without you. You drive me crazy out my mind, how'd you do this every time, now I'm lost without you. आकाश का एक्सीडेंट हो गया, सो मैं आगे व्लॉग नहीं कर पाया क्योंकि बहुत ख़राब परिस्थिति हो गई थी। सो मैं अभी घर पे आके दो दिन बाद व्लॉग एंड कर रहा हूँ। होप करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए कि आपको फ्यूचर में वीडियोज़ की अपडेट जल्दी मिलती ही रहे।